सहारा सुब्रत राय के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी, गिरफ्तार करने पहुंची एमपी पुलिस, खाली हाथ लौटी। बड़ी अपडेट दोस्तों अमर उजाला से है, जो 21 अप्रैल 2022 की बड़ी खबर। सहारा इंडिया कंपनी के प्रमुख सुब्रत राय सहित 8 लोगों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करने पहुंच गई है। और पूरी खबर दोस्तों ये है कि सहारा प्रमुख सुब्रत राय को धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार करने के लिए गुरुवार को लखनऊ पहुंची मध्य प्रदेश पुलिस, खाली हाथ लौट गई। एमपी पुलिस सहारा व उनकी कंपनी के 8 लोगों को गिरफ्तार करने के लिए करीब 2 घंटे तक सहारा शहर पर छापेमारी की और कोई भी अभियुक्त गिरफ्तार न किया जा सका। पुलिस ने सभी के खिलाफ नोटिस चस्पा कर लौट गई। आरोपियों को 5 मई को दतिया थाने में पेश होने के लिए कहा है। मध्य प्रदेश के दतिया थाने में इंस्पेक्टर रविंद्र शर्मा ने बताया कि सहारा फाइनेंस कंपनी के करीब 2000 से ज़्यादा निवेशकों का पैसा फंसा हुआ है। अलग अलग स्कीमों में निवेश की अवधि पूरी होने के बाद उनका रिफंड नहीं मिला। यह सब कई साल से सहारा दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। इन निवेशकों की तरफ से सहारा निवेशक सुब्रत राय और उनकी पत्नी निवेशक सुब्रत राय और उनकी पत्नी सपना राय सहित बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के 8 सदस्यों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के 8 लोगों पर गैर जमानती वारंट जारी हुआ है। कई साल से इस केस में कोर्ट में पेश न होने की वजह से सुब्रत राय, सपना राय, अनिल कुमार पांडे, डी के श्रीवास्तव, रूमी दत्ता, करुणवेश अवस्थी, रानी जिया, अब्दुल कबीर के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ है। दतिया के शहर कोतवाल रवि शर्मा ने बताया कि सभी के खिलाफ FIPC धारा 420, 406 व मध्य प्रदेश निष्पकों के हित का संरक्षण अधिनियम की धारा 6(1) में दर्ज केस किया गया है। तो दोस्तों ये थी सहारा से जुड़ी सुब्रत राय की गिरफ्तारी पर आज की लेटेस्ट अपडेट। अपडेट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को